हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके साथ फ़र जैकेट का वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि फ़र जैकेट को आप इजीली किस तरीके से वॉश कर सकते हैं। आप सभी को वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है गाइज, तो मैंने सोचा कि पहले इसको हाथ से वॉश कर लेते हैं। तो हाथ से वॉश करती हूँ तो आधी लेडीज़ व्यूवर्स मेरी तो इसको ठंड की वजह से वॉश भी नहीं करेंगी। तो मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है जैकेट, तो उसको मैंने यहाँ पर मशीन वॉश करने वाली हूँ आज। तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप ईज़िली फ़र जैकेट को मशीन में वॉश कर सकते हैं। ईजी लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर इसमें यूज़ किया है गाइज, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, तो हमारे किसी भी कपड़े को डैमेज नहीं करता है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इजी ही इसमें यूज़ करें, और आप फिर बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि हम शैम्पू यूज़ कर लें, शैम्पू हम इसमें यूज़ कर लें क्या। बट ये गाइज आप इजी कपड़ों को वॉश करने के लिए बना है, जिससे कि हमारे कपड़े डैमेज ना हों और उनका कलर भी इसी तरीके से रहता है। और मैं हमेशा ही कॉटन के कपड़े भी और विंटर के कपड़े भी इजी में ही वॉश करती हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी इजी में ही वॉश करें कपड़ों को। इजी है गाइस इसको वॉश करना, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप इजीली इसको वॉश कर सकते हैं। क्योंकि देख लेते हैं कि किस तरीके से फर जैकेट को वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन टब में सबसे पहले हम पानी को फिल करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें ईजी ऐड करने वाली हूँ। तो ईजी यहाँ पर 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी। 3 चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें लिक्विड ऐड किया है। और पानी टब में आपको थोड़ा कपड़ों से ज़्यादा ही इसमें ऐड करना है। बहुत ज़्यादा अगर कम पानी में आप कपड़ों को वॉश करते हैं तो उससे कपड़े हमारे ज़्यादा जल्दी से डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ही आप कोई भी कपड़ा वॉश करें, पानी टब में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको नॉर्मल पर वॉश करने वाली हूँ। तो स्ट्रॉन्ग पर आप बिल्कुल भी जैकेट को वॉश ना करें। तो जैकेट को हम टब में ऐड कर देते हैं। और जैकेट को मैंने सिर्फ एक ही राउंड में इसको वॉश किया है। एक ही राउंड में ये इजीली वॉश हो गया था, काफ़ी ज़्यादा शाइन सा कर रहा था, तो इसीलिए बस मैंने इसको एक ही राउंड में वॉश किया है। तो वो जैकेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है जैकेट बहुत ही ज़्यादा गंदा है तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा भी राउंड लगा सकते हैं। बट ये ऊपर से डस्ट था इसीलिए वाइट कलर है, तो इसीलिए ऐसा लग रहा था। बट ईज़िली ये वॉश हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा लिक्विड इसमें और ऐड किया है। तो टोटल यहाँ पर 3 चम्मच ही मैंने इसमें ऐड की है, 3 टेबल स्पून। बस आपको टब में पानी ज़्यादा होना चाहिए गाइस। और आप देख सकते हैं साफ जैकेट हुक कितना ज़्यादा साफ दिखने लगा है। बट यहाँ पर पूरा राउंड यहाँ पर हम इसमें लगवाएंगे, तो और आप देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा सा दिखने लगा है। तो जैकेट को टब में से निकाल कर हम यहाँ पर ड्रायर वाले टब में डालेंगे। बट मैं यहाँ पर इसको ड्रायर नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ इसमें साफ़ पानी निकालने के लिए मैं ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ गाइस। आप चाहें तो अलग से बकेट में भी साफ़ पानी इसमें निकाल सकते हैं, बट मैं हमेशा ही बकेट में इस तरीके से पानी नहीं निकालती हूँ, बस ड्रायर में ही पानी चला कर साथ के साथ इसमें क्लीन हो जाते हैं इसी तरीके से। तो अलग से बकेट में मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। तो पानी मैंने उस साइड यहाँ पर टब में चला दिया है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसमें साफ़ पानी अच्छे से निकल जाता है, हमेशा ही कोई भी पानी इसमें गंदा पानी नहीं रहता है। तो आप चाहें तो इसी तरीके से फुली ऑटोमेटिक की तरह इस मशीन को अपनी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से निकाल लेती हूँ, मुझे अलग से बकेट में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम बंद कर देते हैं और राउंड को घुमा देते हैं। पानी उसमें बकेट में इस तरीके से ही चल रहा है, तो उसमें से क्लीन पानी निकल जाए इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से ड्रायर में किया है। बट जब उस तक उसमें पानी चलता रहेगा तो मशीन को ओपन कर लेंगे। आई होप आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं जैकेट में से पानी अच्छे से निकल चुका है, और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा, तो मैंने इसको अलग साइड में रख दिया था, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी था इसमें से सारा ड्रेन हो गया है। तो अभी हम इसको धूप में डाल देंगे। बट गाइस धूप नहीं निकली हुई है, आप देख ही सकते हैं। तो इसको हम इसी तरीके से सुखा लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं फर जैकेट हमारा टोटली क्लीन हो चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शाइन कर रहा है। इसके बाद मैंने इसको ड्रायर नहीं किया था गाइस, तो आपने वीडियो में देखा ही है कि मैंने इसको ड्रायर नहीं किया है, क्योंकि अगर हम कपड़ों को ड्रायर करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्क्यूज़ करते हैं वाटर को, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कपड़े होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा
रिंकल्स आ जाते हैं और वो नहीं निकल पाते हैं। अगर रिंकल जैसे कि ये ड्रायर करेगा और इसके जो ये फर है निकल भी सकते हैं गाइस, तो इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल भी ड्रायर नहीं किया है। मैंने इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दिया था, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था इसमें सारा ड्रेन हो गया। उसके बाद मैंने इसको धूप में सुखाया है और गाइस मैं आपके साथ, आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैंने इसको वॉश किया उसके बाद ही जस्ट 3 से 4 दिन हो चुके हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। बहुत ही हल्की हल्की सी धूप थी जिसमें मैंने इसको सुखाया है। बट हम इसको उठा के रखते हैं, जैसे विंटर ख़त्म होता है उसके बाद हम कपड़ों को उठा के रखते हैं, तो धूप लगना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर नेक्स्ट मतलब जब धूप निकला तो मैंने इसको अच्छे से धूप में सुखाया है। बट मैं इसको आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि आप इसको किस तरीके से केयर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी फर जैकेट को केयर करके रख सकते हैं उठाकर। तो सबसे पहले इसको देख लेंगे कि किस तरीके से, आप देख सकते हैं अच्छे से ये वॉश हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि मैंने इसको 4 से 5 बार वेयर कर लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। वाइट कलर को एक बार ही आप डाल लें तो, मैंने तो फिर भी इसको 4 से 5 बार गाइस विंटर में इसको वेयर कर लिया था। तो सबसे पहले हम इसको कॉम करेंगे, तो सबसे पहले ऑफिसली इसको कॉम करना है कि जिससे कि इसके फर अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको ड्रायर से, हेयर ड्रायर से इसको अच्छे से सुखा लूँगी। उससे क्या होगा, इसका जो ये फर है काफ़ी ज़्यादा बाउंसी हो जाता है, जैसे हम अपने हेयर को ड्रायर करते हैं बाउंसी हो जाते हैं, तो इसी तरीके के इसका फर हमें चाहिए वापस से। तो सबसे पहले हम इसको कॉम कर लेंगे, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसको कॉम कर सकते हैं। तो जैकेट को सबसे पहले हम इस तरीके से कॉम कर लेंगे और फिर मैं यहाँ पर हेयर ड्राई का यूज़ कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा, हमारे जो इसके फर है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बाउंस होंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जैसी जैकेट थी ऐसी ही हमें मिलेगा। तो इसको मैं हेयर ड्राई से ड्राई कर लेती हूँ। अगर आपके पास हेयर ड्राई नहीं है तो आप इसको सिर्फ सिंपल ही कॉम करके भी यूज़ कर सकते हैं गाइज, बट मुझे ये वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आप देखेंगे आगे वीडियो में जैसा जैकेट था सेम ऐसा ही हमें मिला है। तो इस तरीके से मैंने इसको हेयर ड्रायर किया है, तो उससे हमारे जो ये है इसके जो फर है काफ़ी ज़्यादा बाउंसी, और देख सकते हैं आप वीडियो में, तो पहले जैसा जैकेट था सेम ऐसा ही हुआ है, कोई भी जैकेट में डैमेज नहीं हुआ है। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा गाइस, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने किस तरीके से जैकेट वॉश करने के बाद भी ऐसा का ऐसा ही जैकेट हमारा निकला है। हमने इस तरीके से इसको वॉश किया है कि इसके फर जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं, कहीं से भी जैकेट डैमेज नहीं हुई है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से आप इसकी केयर कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो भी है, फर में कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने वीडियो में शेयर किया है ऐसे ही आप इसको वॉश कर सकते हैं, और कोई भी इसमें लाइट वेट का डिटर्जेंट पाउडर अगर आप यूज़ करें, मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप इजी ही इसमें यूज़ करें, बट अगर कोई डिटर्जेंट पाउडर भी आपके यहाँ इजी नहीं अवेलेबल है और आपको नहीं मिल रहा है, तो अगर आप डिटर्जेंट पाउडर इसमें यूज़ करना चाहते हैं गाइस, कोई अच्छी ब्रांड का ही इसमें यूज़ करें। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इजी मैंने अपने पैसे से ही हमेशा से मैं इजी यूज़ करती हूँ, इसलिए आपको प्रेफर कर रही हूँ कि आप इसमें इजी ही यूज़ करें। और विंटर के जितने भी कपड़े होते हैं या हमारे अच्छी क्वालिटी के कॉटन के जो कपड़े होते हैं जिनको हम आने जाने में यूज़ करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो उसको आप वॉश किया करें। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा, तो इस तरीके का वीडियो आगे मैं भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल पर इसी तरीके बने रहे, अगर आपको मेरी वीडियोस भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।